आपका नाम क्या है? अन्या। आप आप पापा गंदे का नाम बच्चे। क्या है? आपके पापा का नाम क्या है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो बाबू उठ चुका है, चाय बन चुकी है, अभी मैंने पी नहीं है, बाकी सबको दे दिए क्योंकि ये गोद में है ना, तो एक हाथ से मैं सिर्फ रख के आ गई हूँ, सब अपने अपने ले लेंगे चाय। बाबू गुड मॉर्निंग, इधर तो देखो बच्चा, मम्मा की तरफ तो देखो। अन्नू को ना पापा की याद आ रही है, बोल रही मम्मा पापा अकेले घूमी करने चले गए, मुझे नहीं लेके गए अपने साथ। क्यों बच्चा, इधर देखो, गुड मॉर्निंग तो बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे? प्लीज बोल दो गुड मॉर्निंग। बाबू उठ चुकी है, वो बाहर गई है खेलने के लिए, मैं पी लेती हूँ फटाफट चाय, उसके बाद बनाती हूँ सब्जी। चाय पीने की ना बड़ी तलब सी लगती है अब, कल तो पी नहीं थी, ऐसा लगता है सुस्ती सी रहती है बॉडी में, तो पी लेती हूँ फटाफट चल के चाय। मेरे हाथ मिर्च के हैं इसलिए मैं नहीं करा रही मंजन, मिर्च काटी, मिर्च और लग जाएगी इससे। दूध दूध पियोगे? चाचूस करोगे ब्रश? चाचूस ब्रश कर लो, जल्दी जाओ ब्रश करा दो, फिर दूध पिला दो। सो ये मैंने हल्दी डाल दी है, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, सारे मसाले डाल के बनाने जा रही हूँ भिंडी। पानी डाल दूँगी, मसाले को मिक्स कर लूँगी, तेल डालूँगी, तेल जब गरम हो जाएगा तो उसमें उसमें प्याज डाल दूँगी, उसके बाद प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी, उसके बाद इसमें जो हमारा मसाला था वो इसमें मिला देना है, उसके बाद इस मसाले को भी मैं अच्छे से भून लूँगी दोनों चीज़ों को, उसके बाद इसमें हमारी जो भिंडी है वो मिला दूँगी। और भिंडी मतलब सीज़न में शायद एक या दो बार ही अभी आई हैं, अभी अच्छी लगती हैं, जब सीज़न आगे जाएगा तो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छे से चलाने के बाद इसको ढक दूंगी, धीमी आंच पे पकाएंगे, धीरे धीरे चलाते रहेंगे। सो गाइस, सब्जी वगैरह बन चुकी है, आटा भी गूंद के रखाई हूँ। अभी ना ड्रेसिंग टेबल के पीछे ना बहुत ज़्यादा कचड़ा हो रखा है, तो सोच रही हूँ इसको हटा के फटाफट क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ रोटियाँ। मुझे ना प्यास लग रही थी, सोचो पहले पानी पी लेती हूँ उसके बाद लगती हूँ काम करने में। सो ये ड्रेसिंग टेबल ना यहाँ पे कचरा बहुत ज़्यादा चला जाता है, कुछ भी मतलब जैसे कि कचरा वगैरह होता है वो उसके नीचे चला जाता है, मैं डेली साफ़ नहीं करती हूँ, जब कभी साफ़ करती हूँ तो पहले झाड़ू लगाऊंगी, जाला वगैरह होगा वो हटा दूंगी, बाकी ये बॉक्स साफ़ कर दूंगी, ड्रेसिंग टेबल पीछे से साफ़ कर दूंगी एंड झाड़ू लगा के पोछा लगा दूंगी, दैट्स इट, हो गया क्लीन। सो ड्रेसिंग टेबल को मैंने वहीं पे छोड़ दिया, जब तक हमारा पोछा सूखेगा तब तक मैंने सोचा रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि भैया जा रहे थे ऑफिस इसलिए, और एक तरफ ये ना सब्जी रखी हुई थी शाम की, तो एक एक करके मम्मी सब्जी गरम करनी है, तो ये भिंडी हमारी बनी है और बाकी शाम की सब्जी गरम कर ली है हमने। सो गाइस, खाना पीना कंप्लीट बन चुका है, अभी ये बर्तन धुलने के लिए जा रही हूँ, बर्तन धुलने के बाद थोड़ा रूम वगैरह सेट करूँगी, और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9:30 बज रहे हैं, तो फटाफट कर लेती हूँ ये काम वगैरह। गाइस अभी अन्नू ना के आई है, मैं आन्या और राधिका की करने जा रही हूँ छोटी, आन्या के छोटे छोटे बाल हैं, इन्हें भी एक्साइटमेंट हो रही है कि मेरी भी छोटी करो, क्योंकि दीदी की छोटी होने जा रही है, तो इन बच्चों को भी कर देती हूँ फटाफट छोटी।
गाइज अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, खाना खा लेती हूँ, उसके बाद बालों में करूँगी ऑयलिंग, क्योंकि 10-15 दिन हो गए हैं बालों में ना ऑयलिंग नहीं की है। संडे तो सोच रही हूँ बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, तब तक काम वगैरह करूँगी, तब तक अच्छे से ऑयल एब्जॉर्ब हो जाएगा बालों में। अभी टाइम हो रहा है 7:10 बज रहे हैं, जल्दी फ्री हो गई मैं आज, तो खा लेती हूँ फटाफट खाना। तो गाइस खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, अभी जा रही हूँ बालों में ऑयलिंग करने के लिए, फटाफट ऑयलिंग कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा बाल ना ड्राई हो रखे हैं। सो दीदी आके बैठ गई थी, मैं ऑयलिंग भी कर रही थी और दीदी से हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे किसी टॉपिक पे, आई डोंट नो किस टॉपिक पे, याद नहीं है मुझे। तो मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, साथ में अभी मम्मी का फ़ोन ले लिया, उसमें पता नहीं क्या देख रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। तो ऑयलिंग हो चुकी है, डन। तो गाइज मैंने इस सिर में ऑयलिंग कर ली है, अभी मैं जा रही हूँ फटाफट झाड़ू पोछा कर देती हूँ, नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं और मैं नहा धो के सो गई थी यार, बड़ी अच्छी नींद आई, मतलब बहुत दिनों के बाद मुझे दिन में सोने का टाइम मिला है। और बाबू भी देखो सो रहा है, तो मैंने इसको अभी दूध पिला देती हूँ फटाफट, ये लेके आ गई इसकी बोतल में। सो उसके बाद जाऊंगी छत पे, कपड़े वगैरह सूखा के आऊंगी, सोच रही वीडियो एडिट कर दूं, अपलोडिंग पे लगा दूं, उसके बाद बाकी के काम करूंगी। लाओ पहना दूं पैर में वो। बेटा स्टैंड क्यों छू रहे हो आप? लाओ ये वाला पैर दो, ये वाला पैर दो, इसमें भी पहना दूं सैंडल। सो आन्या चली गई है बाहर खेलने, तब तक मैंने सोचा मैं कॉम कर लेती हूँ बालों में, क्योंकि बाल धुले थे ना, तो फिर मैंने कॉम वगैरह नहीं किया था, तो सिंदूर वगैरह लगा के कॉम कर लूँगी, उसके बाद झाड़ू लगा दूँगी। सो गाइज मैंने चोटी वगैरह कर ली है और अभी नेल पेंट लगा लेती हूँ ना, नेल पेंट छूट गई हाथों तो में, तो नेल पेंट लगा लेती हूँ और वीडियो भी मैंने एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दी है। उसके बाद मैं छत पे जा रही हूँ, क्योंकि छत पे नेट अच्छा चलता है और नीचे नहीं चलता इतना अच्छा, तो नेल पेंट लगा के फिर जा रही छत पे, कपड़े सुखा के आऊंगी और वहीं पे रख दूंगी फोन, थोड़ी देर खुली हवा में टहलूंगी। सो गाइज अभी मैं आई हूँ छत पे, कपड़े वगैरह थे सुखाने के लिए, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा, माई भी यहीं पे है। और बाबू क्या कर रहे हो? ये देखो अन्या को देखो जरा, क्या खा रहे हो? कहाँ गई? ये रही, क्या खा रहे हो? बादाम, इसे इतना पसंद है। अनु डांस कर दो, कच्चा बादाम ये है, कच्चा बादाम। ये गाना कितना फेमस हो गया था, छत पे एकदम सुकून मिलता है, छत पे सोने में भी बड़ा मजा आता है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, उसके बाद चलती हूँ नीचे, काम वगैरह करूँगी, चल के पूजा वगैरह कर दूँगी। और मंदिर में ना पर्दे लगाने, बहुत दिन से पर्दे नहीं लगाए मंदिर में, तब से ऐसे ही पड़े हुए हैं, टाइम ही नहीं मिला, तो थोड़ी देर बैठ लेती हूँ फिर चलते हैं नीचे। ये मेरी मम्मा ही, ये मेरी मौसी है। कहाँ है मौसी? हेलो गाइस, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मौसी है, ये राधिका है, और यहाँ पे पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, बादाम खाए जा रहे हैं, पार्टी हो रही है, कच्चा बादाम। ओहो ये क्या? अरे पागल हो गई लड़की, पागल हो गई, ऐसे करो, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, नौटंकी करो सर। मेरी मामा है और ये मेरी लड़का है और ये मेरी मौसी है। अच्छा, और ये मैं। कौन हो आप? आपका नाम क्या है? अन्या। आप गंदे बच्चे, आपके पापा का नाम क्या है? अच्छी चिंग। और आपकी मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम क्या है? मम्मी का नाम आजू। आरजू। और आपके मामा कहाँ रहते हैं? नोएडा। तो मत बोलो ना, उसे बोलने तो। नानी कहाँ है आपकी? नानी नोएडा।
आपके कितने मामा हैं? बहुत सारे मामा। आपको सबसे अच्छे मामा कौन से लगते हैं? अनुराग मामा। अनुराग मामा? अनुराग मामा तो आपकी पिटाई करते हैं? नहीं, पिटाई करते हैं। नहीं करते। अनुभव मामा कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं बहुत। आपका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है? क्या क्या आता है आपको? आपका इंटरव्यू ले रही हूँ मैं, फिर आपको जॉब दूंगी। आपको क्या क्या आता है? मामा। मामा? मामा। क्या काम कर लेते हो आप? आपकी काम कर लेते। क्या काम कर लेते हो आप? क्या क्या आता है आपको? झाड़ू लगा लेते हो, पोछा लगा लेते हो। हाँ। कर लेते हो, क्या कर लेते क्या हो? क्या कर लेते हो काम बताओ? झाड़ू लगा ले और पोछा लगा लेते। और क्या करते हो? बर्तन नहीं धुलते हो? खाने में आपको क्या क्या पसंद है? खाना पसंद है। और डॉगी कैसे बोलता है? कैट कैसे बोलती है? और गोट कैसे बोलती है? बकरी? गोट कैसे बोलती है? चिड़िया कैसे बोलती हैं? आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? आपको सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा लगता है? ये। क्या ये? वो फ्रूट है, पेड़ है वो? नहीं, वो फ्रूट है। और आपके पापा कहाँ गए हैं? मेरे पापा ऑफिस गए हैं। ऑफिस गए हैं। और आपके गांव का नाम क्या है? गांव कहाँ रहती हो आप? अभी बता रहे। गांव नानी घर रहते हो। नानी घर रहते हो? नाम तो बताओ नानी के घर का। नानी के घर का नाम क्या है? और ये देखो, ये छोटा सा बाबू आ गया। नानी के घर का नाम बताओ जल्दी। तो अब आप बताओ, आपका नाम क्या है? बाबू। इसको हिचकी आ रही है, पापा याद कर रहे। बाबू। बाबू नाम है? नो, हर नेम इज वंशिका। क्या? वंशिका? इश्निका। अच्छा, इश्निका। इसका नाम इश्निका है। हाँ, इसको हिचकी आ रही। बाबू आंख मार रही है तो। ऐसे कर रही है। कौन है ये? अंशिका? इश्निका। इश्निका? इश्निका कौन है ये? मेरे कमर कैसे देख रही है? चल रही है। हेलो गाइस, ये उल्टी हो गई है एक अन्या, एक लड़की उल्टी हो गई है। ये मेरे छोटे से बाबू है। हम इसी को खिलाएंगे। जब मेरी गोदी आ जाए, जब ये बुखार आ जाए, जब मेरी गोदी आ जाए, जब मेरी गोदी आ जाए। बेटा नहीं, वो बदला नहीं दे रही कि अपने पापा को याद कर रही। हेलो, अभी नहीं इसकी आने लगी। राधे राधे करके रह जाएगी। बाबू छोटी है। सामने छोटू, सामने छोटू वीडियो बन रही इसने कहा कि चलो पूजा करने चले। चलो सो अभी मैं छत से आके ये पर्दे बांध रही हूँ पूजा के मंदिर में। तो काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही पड़े हुए थे, मैंने सोचा अभी टाइम मिला है तो मैं फटाफट बांध देती हूँ। और पूजा मैंने कर ली है। पानी देख लो भर रहा है। बस बस देख लिया। चलो 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 जल्दी, छोड़, गिर जाओगे इसी के अंदर। तो गाइस अभी ना मैं, मेरे ना सिर में इतनी तेज दर्द हो रहा है, मैं अभी नीचे आई। मैंने ना चंपी वगैरह करवाई। ये ना एक सूट पड़ा हुआ है मेरा, सिलाई खुल गई थी तो मैं सोचा सिलाई कर देती हूँ। मन तो नहीं कर रहा यार, मन कर रहा है चुपचाप से लेट जाऊँ। अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या। तो गाइज अन्नू को अभी जस्ट मैंने सुलाया, अभी जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए। आज खाना लेट हो गया, कितने बज गए? 10 बजने जा रहे हैं। फटाफट खाना खा के आती हूँ, मुझे नींद आ रही है बहुत तेज।
सो गाइस, ये वाला ब्लॉग खाना पीना हो चुका है। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। देखो इनकी मेकअप हो रहा है, क्या हो रहा है ये बेटा, मेकअप कर रहे हो?